जिन पापियों के वाणी से गोविंद का नाम न निकले उन्हें पकड़ो। दूसरे, जिनका सिर प्रभु के चरणों में न झुके उन्हें भी पकड़ लाओ। तीसरे, जिनका चित्त गोविंद के चरणों का कभी भी चिंतन न करे, तान आना या ध्व, बस ऐसे लोगों को पकड़ के लाया करो, उन्हीं को सुधारने में बैठा हूं यहां पर। बाकी खबरदार जो किसी से हाथ लगाया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये परम गोपनीय सत्य इतिहास है जो मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते समय सुनाया, वो प्रसंग अनुसार आज हमने तुम्हें सुना दिया। बस इसी से समझ लो भगवान नाम की इससे अधिक क्या महिमा हो सकती है कि अजामिल ने धोखे से नारायण को पुकारा तो बड़े भारी पाप से पल भर में मुक्त हो गया। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम जपो, कल्याणकारक ही होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम महिमा में अब एक परीक्षित और अद्भुत प्रश्न करते हैं। क्या? बोले महाराज एक बात बताओ, भगवान पक्षपाती क्यों है? कैसे? बोले आप तो हमेशा भगवान को समदर्शी समदृष्टा कहते हो, पर हमें तो सरेआम भगवान पक्षपाती नजर आते हैं। कैसे? बोले देखो ना, दैत्यों को चुन चुन के मारना और देवताओं का खुल करके साथ देना, समर्थन करना, क्या ये पक्षपात नहीं? भगवान पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं, और समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी खुश हो गए, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान पक्षपाती नहीं है, उनका तो स्वभाव है कि तुम मुझे जिस संबंध से स्वीकार करोगे उसी संबंध से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बैरी बनाओ तो बैरी बन जाऊं, प्रेमी बनाओ तो प्रेमी भी बन जाऊं। अब तुम बताओ, तुम जो आरोप लगा रहे हो कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, तो बोलो प्रहलाद जी कौन है? वो भी तो दैत्य परिवार के हैं, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बेटे हैं। पर हिरण्यकश्यपु बैरी भगवान का, तो भगवान ने पेट फाड़ दिया, और प्रहलाद जी भगवान के दीवाने प्रेमी, तो हृदय से लगा लिया। तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपाती है? दैत्य जाति से दुश्मनी मानते तो भला प्रहलाद को हृदय से कभी लगाते क्या? दुश्मन का बेटा भी तो दुश्मन लगता है, इसलिए ये भ्रम है। परीक्षित बोले तो बताइए प्रहलाद को कैसे भगवान ने हृदय से लगाया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु उसका भाई भगवान का बैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने इतना कठोर तप किया कि पूरा शरीर इसका दीमक में ढक गया। ब्रह्मा जी प्रकट होके आए, वरम ब्रूयात, वरदान मांगो वत्स। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दो, ये असंभव, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, महाराज एक वरदान से नहीं, जितने चाहूंगा उतने वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले, चाहे जितने मांग लो। तब तो मांगने लगा कि ना मैं भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरू, 12 महीने से किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी ने तो माथा पकड़ लिया, हे भगवान, ऐसा मांगने वाला चेला पहली बार मिला, इतने सारे वरदान, चल भैया तू भी क्या कहेगा, तेरे जैसा तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए जा मैं तुझे सारे वरदान प्रदान करता हूं। अब खुश हो गया, मैं तो अमर ही हो गया, अब इतने वरदानों के बाद मुझे कौन मार सकता है। निकला तपस्या करने के बाद दिग्विजय करने, सारे देवी देवताओं को पकड़ के अपने घर में बांध के ले आया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल पानी भर के ला, सारे गुलाम बन के इसकी सेवा करने लगे। ऐसा दिग्विजयी हिरण्यकश्यप, देवता सब रोने लगे, हे प्रभु कम मरेगा, आप ही कृपा करके इससे हम इसके आतंक से हमें मुक्ति दिलाई। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हो गए, ह्राद, अनुराध, सहराध, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे भाइयों में, पर गुणों में सबसे बड़े, बड़े अद्भुत गुणग्राही, बड़े बुद्धिमान। बचपन से ही प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया, कौन सा?
कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण रूपी टेढ़ी टांग वाले ग्रह ने प्रहलाद जी को बचपन से ही पकड़ लिया। कृष्ण ग्रह ग्रहित प्राणी के लक्षण क्या है भाई? बोले कभी वो रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, कभी भागने लग जाता है। ये लक्षण जिसमें घटित हो समझ लो कृष्ण ग्रह इसको लग गया। कुछ दे रोदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना। प्रहलाद जी ऐसे ही बाल्यावस्था से गोविंद के दीवाने थे। जब इनको पढ़ने के लिए भेजा गया तो संडामर्क जी महाराज इनको पढ़ाने लगे, तो दैत्यों की नीति सिखाने लगे क्योंकि दैत्य पुत्र हैं। शिक्षक तो वही सिखाएगा जो सरकार ने शिक्षा नीति निर्धारित की होगी, वो चाहे उचित हो या अनुचित, सही हो या गलत, पढ़ाना तो वही है। यदि तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि सुनो ये गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलेगी। तो क्या सिखाएं फिर, क्या पढ़ाएं? बोले गा माने गधा। तो गणेश जी हटा के गधा सिखा दिया। तो भैया सरकार जो कहे शिक्षकों को तो वही करना है। हिरण्यकश्यपु का राज आदेश दिया दैत्य नीति सिखाओ, प्रहलाद जी को सिखाने लगे शिक्षक। एक दिन की बात, अचानक विद्यालय में हिरण्यकश्यपु आ गए। पिताजी को देख करके प्रहलाद जी ने दौड़ के प्रणाम किया, तो बड़े प्यार से गोद में उठा करके पिताजी ने पूछ दिया, प्रहलाद बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? हंस के बोले पिताजी बहुत बढ़िया। अरे बेटा कोई बढ़िया सा एक पाठ हमको भी सुना दो। प्रहलाद जी बोले पिताजी एक पाठ मुझे बहुत बढ़िया आता है, तो सुनाओ। सुनाने लगे प्रहलाद, तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद विघ्न दिया मसद गृहा हित्वात्म पातम गृह मन। पिताश्री सारा संसार एक बड़ा भयंकर अंधकुआ है, परम बुद्धिमान संसार में वही है जो इस कुआ से अपने को गिरने से बचा ले और एकांत में गोविंद के चरण कमलों का आश्रय ले ले, वही उसी का जीवन सार्थक। सुनते ही माथा गर्म हो गया हिरण्यकश्यपु, ऊपर से अट्टहास करके बोला, वाह बेटा बहुत अच्छा, जाओ अंदर और जरा अपने गुरुजी को बाहर भेजो। प्रहलाद जी दौड़ के भीतर गए, गुरुजी आपको पिताजी बुला रहे हैं, बाहर खड़े हैं। गुरुजी हड़बड़ा के बाहर निकले, अरे महाराज आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम क्या पढ़ा रहे हो? बोले वही पढ़ाते हैं जो आपने हमको समझाया है। बोले झूठ बोलते हो हमसे? अभी अभी मेरा बेटा मेरी गोद में मुझे समझा के गया है, पिताजी सारा संसार अंधकुआ है इसलिए एकांत में जाके हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है, यही सब सिखाने पढ़ाने के लिए भेजा था तुम्हारे पास, बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? बड़ी डांट लगाई। गुरुजी थर थर कांप, सरकार चार्जेस की सौगंध घमा लो, हमारे विद्यालय में एक भी पाठ ऐसा नहीं, कोई कोर्स नहीं, भगवान जाने कहां से सीखे आपका बेटा, आज तो आप माफ कर दो, दोबारा ये गलती कभी नहीं होने पाएगी। अच्छा ठीक है, याद रखना भविष्य में छोड़ूंगा नहीं, कह के चला गया। अब गुरुजी प्रहलाद के पास आए, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बने में तू कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? तुझे शर्म नहीं आती? जो सिखाते पढ़ाते हैं वो तो कुछ बताता नहीं, और ऊट पटांग की बातें बाबा बैरागियों की तरह न जाने कहां से सीख जाता? बहुत डांटे। गुरुजी गरम है इसलिए प्रहलाद जी शांत रहे। अब एक दिन की बात, गर्मियों की छुट्टी, प्रहलाद जी को छोड़ने गुरुजी घर आए,
माँ कयाधु ने नला धुला के प्रहलाद जी को बढ़िया मोटा सा काजर लगा के सजाया और कहा बेटा जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करे आओ। जो पिताजी को प्रणाम करने दरबार में पहुंचे बड़े प्यार से पुत्र को फिर गोदी में उठा लिया। प्रश्न फिर वही, कहो बेटा अब बताओ सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया। प्रहलाद जी गुरु जी की तरफ फिर देखने लगे, देखा गुरु जी पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और सुनना हमेशा घटिया चाहते हैं। अब बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो मैं बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी अब तो बढ़िया बढ़िया मैंने 9 बातें सीख ली। अरे वाह बेटा, 9 प्रकार की कोई राजनीतिक नीतियां सीख के आया होगा, क्या क्या सीखा है जरा बताओ। तो प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धाम तनमन्ये धीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का प्रहलाद जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी देने लगे, सो क्रोध के मारे प्रहलाद को उठा के पटक दिया और निकाल तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, आज तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मेरे बेटे ने पहले एक ही बात बताई थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब दिनों दिन इसकी विद्या तुमने ही बढ़ाई है और उसको यही सब उठपटंग बातें सिखाई है। गुरु जी थर थर कांपे, महाराज हम आपकी सौगंध खाते हैं, न तो आपके बेटे को हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, हम पूरी गारंटी से कहते हैं आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया आया है। ये उल्टा सबको पढ़ा देता है। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा सच बोल, तुझे ये उठपटांग बातें कौन सिखाता है, झूठ मत बताना। प्रहलाद जी हंसने लगे, पिताजी आप इतने नाराज क्यों होते हैं, मैं जो बता रहा हूं जीवन का परम सत्य यही है पिताश्री, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी मन में मेरी बात पर निष्ठा तो रखते हैं पर आपके डर के मारे स्वीकार नहीं करते। अब हिरण्यकश्यप और गर्म हो गया, अरे मूर्ख कहीं के प्रहलाद, तुझे पता होना चाहिए कि जिसका तू भजन करने की बात कर रहा है वही मेरे भाई अर्थात तेरे चाचा का हत्यारा नारायण है, जिसने छल पूर्वक तेरे चाचा को मारा, मेरे भाई को मारा, और तू उसी हत्यारे का भजन करता है। बहुत डांट लगाई। प्रहलाद जी टस से मस नहीं हुए, वही निष्ठा वही भाव वही दृढ़ता। अब तो गर्म होके हिरण्यकश्यप ने कहा मैं समझ गया इसमें नारायण भक्ति का कुछ ज्यादा ही रोग लग गया है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह रोग संक्रामक बहुत है, माने फैलता बहुत जल्दी है। नगर गांव में कहीं एक संत पैदा हो गया तो उसी की संपर्क में जितने आते जाएंगे सब तिलकधारी कंठीधारी मालाधारी हजारों लाखों में फैलते ही चले जाते हैं। तो संक्रामक बीमारी है, देखते देखते फैल जाती है। आज प्रहलाद अकेला है, इसको देख देख करके और भी लोग तैयार न हो जाएं। इसलिए रोग के फैलने की आशंका हो तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए, ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो। टूट पड़े सारे असुर, पकड़ के ले गए प्रहलाद को, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, विषपान कराया, सारे प्रयास हो गए परंतु प्रहलाद जी का टस से मस नहीं। अब घबराया, ये मरता क्यों नहीं है, जब छोटी सी उम्र में इसमें ये चमत्कार आ गए।
तो कहीं सचमुच ये मेरी मृत्यु का कारण तो नहीं बन जाएगा। चिंतित हो गया। संडा मर्ग जी आके बोले, महाराज एक मौका हमको और दे दिया जाए, हम इसको बिल्कुल सुधार देंगे। अच्छा ले जाओ। गुरुजी फिर पकड़ के ले गए, विद्यालय में ले जाके प्यार से समझाया, नहीं समझे तो बांध के पटक दिया। एक दिन गुरुजी निकल गए बाजार किसी काम से, विद्यार्थी निकल गए खेलने, मौका मिल गया प्रहलाद को, सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ एक नया खेल सिखाऊं। कौन सा खेल? प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी खेलेंगे। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल सत्य कहा मित्रों, ये बहुत प्राचीन खेल है आंख मिचौनी का, जो दो सखाओं के बीच खेला जा रहा है। दो सखा हैं जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा बोले चलो आंख मिचौनी खेलें। खेलो। कैसे खेलें? भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, हम ढूंढते हैं। हम छुपे तब तुम ढूंढो। ऐसा ही होता है आंख मिचौनी में, ठीक। तो प्रलय हुआ और समस्त प्राणी परमात्मा के उदर में विलीन हो गए, छुप गए। और प्रभु ने संकल्प करते ही एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले तुमने खूब छुपाया, पर मैंने तुम सबको ढूंढ लिया। अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे, तुम हमें ढूंढो, और जिस दिन हमें ढूंढ लोगे उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। उस परम पिता को जाने बिना, अपने सखा को समझे बिना, मृत्यु की पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू तो बड़ी जोरदार बात कह रहा है भाई, पर एक बात बता, ये रहस्य हमारे गुरुजी हमें क्यों नहीं सिखाते? और जब गुरुजी नहीं सिखाते तो तू कैसे सीख गया, कहां से सीख गया? प्रहलाद जी बोले मेरे असली गुरु नारद जी महाराज हैं। मां के पेट में था मैं, पिताजी तपस्या करने गए थे, उस समय मेरी मां का हरण इंद्र ने किया, तब नारद जी ने मेरी मां को इंद्र से बचाया और अपने आश्रय में रखा, मेरी मां को उपदेश दिया। मां के पेट में बैठा बैठा मैंने भी उपदेश सुना और असली गुरु अपना मैंने नारद जी को मान लिया। तो ये सारी बातें नारद जी की बताई हुई हैं, मनमुखी नहीं है। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू तो कमाल का निकला भाई, मां के पेट में ही सब पढ़ लिखा आया। हमारे गुरु जी ठीक ही कहते थे ये पढ़ा पढ़ाया आया है। प्रहलाद कुछ भी कहो भैया, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, तेरे साथ कभी कभी तो हमारा भी नाचने का मन होता है कि गाय झूमे नाचें, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है, कहीं उन्होंने हमको नाचते देख लिए एक मिनट में खोपड़ी उड़ा देंगे। तेरी बात और है भैया, तू चमत्कारी है। प्रहलाद जी बोले मैं कोई जादू टोना थोड़ी जानता हूं, मेरी रक्षा भी तो परमात्मा ही करते हैं, और तुम भी परमात्माओं को पुकारोगे तो प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। एक विद्यार्थी बोला कि हम परमात्मा को जानते नहीं प्रहलाद, तू जानता है, अब तू हमको वचन दे तो हम तेरे साथ तैयार हैं, तू हमारी रखवाली कर। प्रहलाद जी बोले तो मैं वचन देता हूं कोई गड़बड़ी होगी उसकी सारी जिम्मेवारी मैं ले लूंगा, तुम लोग बिल्कुल न डरो, प्रेम से मेरे प्रभु को पुकारो। विद्यार्थी बोले तब हम सब तैयार हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी हो गए तैयार, गुरु जी विद्यालय में है नहीं, मौका बहुत बढ़िया है, चलो नाचते हैं झूमते हैं। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ खूब प्रेम से गाएं, और हिरण्यकश्यप के मित्र भले ही शांत बैठे रह जाएं। गा उठे सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद
मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद कर रहे थे। आ गए गुरुजी। गुरुजी ने आके विद्यालय का वातावरण देखा, पसीना छूट गए, दौड़े भागे हिरण्यकश्यपु के पास गए। सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले बीमारी फैल गई, जो रोग प्रहलाद को लगा था उसने सारे विद्यार्थियों को वही बीमारी लगा दी। आज सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं उसी की तरह। क्रोध में लाल पीला हिरण्यकश्यपु आ गया और जो विद्यालय का वातावरण देखा, आग बरसाने लगा क्रोध में। विद्यार्थियों को होश ही नहीं कि कौन आ गया, वो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, झूम झूम के गा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
कश्यपु ने एकदम आवेश में भर के अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। हिरण्यकश्यपु की गर्जना सुनते ही सारे विद्यार्थी थर थर कांप उठे। हिरण्यकश्यपु को देख करके प्रहलाद को इशारा करने लगे, भैया देख ले, हम पहले ही कह रहे थे। थर थर कांपे सारे विद्यार्थी। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यपु ने गालियों की बौछार लगा दी प्रहलाद पर। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, अरे प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तूने मेरा पुत्र होकर के मेरी बैरी का आराधन किया है, बोल तुझ में ये दुस्साहस कहां से आ गया है। डांटने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद जी ने बड़ा निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां च परेषां परे वरे मिस्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो येन वशं पिताजी, आप तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। उन्हीं का बल आपके देह में भी है, सारे संसार को उन्हीं का दिया हुआ बल है। हिरण्यकश्यपु बोला, मूर्ख, तेरा भगवान सबको बल देता है तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान, तभी देखा तूने? प्रहलाद जी बोले, ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा भगवान, वो तो सर्वत्र है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, यदि वो सर्वत्र है तो क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है? खम्भे की ओर इशारा किया, इस खम्भे में है? प्रहलाद जी बोले, हां। अब भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हां कह दिया, हां इस खम्भे में भी मेरे परमात्मा बैठे हैं। जैसे हां किया, हिरण्यकश्यपु का क्रोध परा और बढ़ गया। देखता हूं तेरे भगवान को। तुरंत खंभे के पास हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरा पहुंचा और जो खंभे पर खड़गप प्रहार किया, एक मुक्के में खंभा फट गया और भगवान भक्त के वचन सत्य करने के लिए नरहरि नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय, वत्सल भगवान की जय। गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरना हर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात घानो है। नरसिंह भगवान नर हरि रूप में प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान सचमुच बहुत खतरनाक है। शेर का मुंह मनुष्य का शरीर, ऐसा विचित्र हमने पहली बार देखा। तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया भगवान नरसिंह ने, पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक करके ऐसा दबोच लिया कि छटपटाता रह गया पर अपने को छोड़ा नहीं पाया। भगवान ने दबोच लिया, पटक के गोदी में जकड़ लिया, फिर भी हिम्मत बांध के बोला, अरे मैं गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला नहीं हूं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले, बता तूने क्या वरदान लिए? तो बोला, मैंने वरदान लिया है ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, इसलिए मैं बीच देहरी में बैठा हूं, ना भीतर हूं ना बाहर। अरे तो मैंने वरदान लिया था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, ना दिन रहा ना रात भाई, ये संध्या का समय है। अरे तो ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले, तो मैं कौन हूं? नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह हूं, ना मनुष्य कह सकता है ना जानवर। अच्छा तो मारोगे कैसे? मैं तो ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले, लंबे लंबे मेरे नाखून देख रहे हो, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र, पर तेरे लिए पर्याप्त, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोलो राधे राधे। तब डर गया, अरे तो मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अरे तो मैं 12 महीने से किसी महीने में ना मरूंगा। भगवान बोले, अधिक मास चल रहा है, लौण का महीना पुरुषोत्तम मास, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बना रखा है। 12 महीने से मतलब, और सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान नरहरि नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु का तुरंत पेट फाड़ दिया
और भयंकर उसकी आंतों को ही चीर करके भगवान ने उसकी माला धारण कर दी। सारे देवी देवता थर थर कांपने लगे, दैत्य सब मूर्छित होके गिर पड़े। भगवान ने उसकी सारी आंतों को चीर के बाहर निकाल दिया। देवता भी डरे डरे तुरंत पहुंचे। अरे चलो चलो, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें, नहीं तो सबको समाप्त कर देंगे। एक एक करके देवी देवता आते गए, पर भगवान के सामने टिक न पाए। सब डर के मारे भागते नजर आए। सब मिलके लक्ष्मी माँ के पास पहुंच गए। माता जी जल्दी चलिए, क्या हुआ? बोले आपके स्वामी जी आज बहुत क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं, आप ही समझाइए। लक्ष्मी जी हंसने लगी, मेरे स्वामी जी तो शांता का आरंभ है, उनको क्रोध कहां से आ गया? देवता बोले माता जी आज आपके स्वामी जी कहीं से भी शांताकारम नजर नहीं आ रहे, चल के दर्शन तो करो। लक्ष्मी जी तुरंत 16 श्रृंगार करके सोने की थारी में आरती सजा के छमछम करती प्रियतम को मनाने आई। पर जो लक्ष्मी जी ने आरती घुमाई, नृसिंह भगवान ने बहुत दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी जी थाली फेंक करके भागी, दैया मैया करके थाली फेंक करके भाग गई बिचारी। देवताओं से बोली, अरे राम राम, किसके सामने लाके खड़ा कर दिया मैंने अपने स्वामी जी की, ऐसी सूरत जिंदगी में कभी ना देखी। लक्ष्मी जी भाग गई। तब देवता बेचारे घबरा के प्रहलाद जी से बोले, बेटा प्रहलाद तू ही संभाल, हमारे बस की बात नहीं। और जो प्रहलाद जी चरणों में गिरे, भगवान ने तुरंत खड़े होकर के प्रहलाद जी को उठाकर गोदी में बैठा करके इतना प्यार और दुलार बरसाया कि सारे देवता भौचक्के से रह गए कि हमने अभी तक भक्तों को भगवान के सामने हाथ जोड़ते बहुत देखे, पर ये पहला अवसर है जब किसी भक्त से भगवान हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बेटा मेरी वजह से, मेरा नाम लेने के कारण तूने बहुत यातना भोगी है, बड़े कष्ट उठाए हैं, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में, उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे देवता भगवान की इस करुणापूर्ण कृपापूर्ण स्थिति का दर्शन करके गदगद हो गए। सारे देवी देवता भगवान के सामने इस मनोहारिणी छवि का दर्शन कर रहे हैं कि भक्त प्रहलाद को हृदय से लगाए भगवान प्यार दुलार ऐसे बरसा रहे हैं जैसे नन्हे से बछड़े को गौ माता चाट चाट के प्यार देती है। ऐसी भक्त वत्सल भगवान आज बछड़े की तरह अपने पुत्र प्रहलाद को प्यार बरसाने लगे। इस पावन झांकी का दर्शन करते हुए हम भी इस छवि को हृदय में बसावें। अब प्रहलाद और नृसिंह प्रभु के बीच में क्या क्या बातें हुई वो रात भर इनको बात करने दो, जो बातें भई वो सवेरे बताएंगे प्रातः सत्र में। आइए मिलकर के प्रभु का स्मरण करते हुए इस झांकी को हृदयंगम करें, पूजन और आरती बाद में। अरे नटवर ना कर नंदा बजो रे मन गोविंदा, बजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, बजो रे मन गोविंदा, नट पर नागर नंदा, बजो रे मन गोविंदा, नट पर नागर नंदा, बजो रे मन गोविंदा, सबते पन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारों बिच चंदा जो मन गोविंदा,
बरना गजनंदा भजोरे मन गोविंदा नति बरना गजनंदा भजोरे मन गोविंदा सखियन में राधा जुबड़ी है सब सखियन में राधा जुबड़ी है सब सखियन में राधा जुबड़ी है सब सखियन में राधा जुबड़ी है क्यों नदियों बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा क्यों नदियों बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा 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 गोविंदा भजोरे मन गोविंदा नच बजना कर नंदा भजोरे मन गोविंदा धुब तारे प्रहलाद गुब्बारे धुब तारे प्रहलाद गुब्बारे धुब तारे प्रहलाद गुब्बारे धुब तारे प्रहलाद गुब्बारे धुब तारे नरसिंह रूप धरिंदा भजोरे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरिंदा भजोरे मन गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि 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 काटो यमों के फंदा भजोरे मन गोविंदा काटो फंदा भजोरे मन गोविंदा काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा नट बरना गजनंदा भजोरे मन गोविंदा नट बरना गजनंदा भजोरे मन गोविंदा 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 भजोरे मन गोविंदा बोल नरसिंह भगवान की जय श्रीम
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास जी महाराज की। राधे, हम लोग नरसिंह भगवान एवं श्री प्रहलाद जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। अब आप आरती से पूर्व एक नृत्य का दर्शन करेंगे। भजन के आधार पर वो नृत्य होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग भागवत भगवान की आरती और प्रसाद ग्रहण करें। कल प्रातः काल के सत्र में आप श्रवण करेंगे गजेंद्र मोक्ष एवं समुद्र मंथन की कथा, साथ में वामन भगवान का चरित्र और वामन भगवान की झांकी, सायंकालीन सत्र में राम जी का अवतार एवं नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। सभी कार्यक्रमों में समय से उपस्थित होंगे और कल प्रातः काल 8 बजे गीता के 15वें अध्याय का पाठ होगा। जो भी भक्तजन उसमें सम्मिलित होना चाहे 8 बजे से गीता का 15वां अध्याय। आए सभी मिलकर के हम लोग भागवत भगवान की आरती करें। Yeah।
मधुसूदन की आरती पासियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंत महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है हरि ओम माधव हो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जनेन नमः जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका वगुल चंपक पाटलाभे पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पे विलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे
त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकारवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। जय जय।